तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC की आने वाली नई वैकेंसीज की, जिसमें से कुछ के फॉर्म तो शुरू भी हो गए हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे SSC के चारों वैकेंसीज की, जिसमें SSC CGL, MTS, CHSL और डेली SI, जो डेली इंस्पेक्टर है SI है, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और कब इसका एग्जाम डेट है, इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए जल्दी से बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं SSC के सभी फॉर्मेट्स के बारे में। सबसे पहले समझ लीजिए SSC का जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो जो 2023 में आने वाली है वो करीब 50,000 प्लस है। 50,000 से भी ज्यादा पोस्ट आने वाली है इस बार। और इसमें आप देखेंगे कि SSC CGL से भी वैकेंसीज हैं, SSC CHSL से भी हैं, MTS से भी हैं और सब इंस्पेक्टर SI से भी आ रही हैं। तो इन सभी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे SSC CGL की। जिसकी बात करें अगर एडवर्टीजमेंट की, तो उसका एडवर्टीजमेंट जो है कल यानी यस्टरडे 1 तारीख वाले दिन निकल चुका है। यहीं से फॉर्म भी शुरू हो गए, जिसकी जो एंडिंग डेट है वो क्लोजिंग डेट 1 महीने के ऊपर होगी और वो 1 मई तक जाएगी, ठीक है। और एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट आ गया है, मैं इसको अभी आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर बात करें एज लिमिट की, तो किस उम्र के स्टूडेंट्स इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो 18 साल से 32 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। SSC CGL की बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं और भारत सरकार की हाई डेफिनेशन वैकेंसीज को रिक्रूट करना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट चाहते हैं, तो SSC CGL के थ्रू जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे मैंने बताया कि आपको ग्रेजुएट अगर आप हैं तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं SSC की और वैकेंसीज की। अगर हम बात करें SSC की CHSL की, तो इसके जो फॉर्म शुरू होने वाले हैं वो मई में शुरू होंगे, लगभग 9 मई के आसपास के फॉर्म आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 9 मई के इसके फॉर्म आ जाएंगे और जून की 8 तारीख तक आप देखेंगे इसका जो क्लोजिंग डेट होगी वो हो चुकी होगी। बात करें अगर इसका एग्जाम कब होगा, तो अभी मैं आपके साथ एग्जाम का जो SSC ने निकाला है फॉर्मेट वो भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अगले वीडियो में शेयर कर सकता हूं मैं, तो वो जुलाई अगस्त में पॉसिबल है कि एग्जाम हो जाए उसके। अगर बात करें इसकी एज क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट की, तो वो 18 से लेकर 27 तक एज इसमें मांगी जाती है, 18 साल से लेकर 27 साल। और एक बात याद रहे कि यहाँ पर जो मैंने 18 से 32, 18 से 27 लिखा है, इसमें जो एज रिलैक्सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी यहाँ पर एज रिकमेंड कंसीडर किया जाता है। जो भी उनका कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से उनका एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ये नॉर्मल मैंने UR अनरिजर्व की कैटेगरी लिखी हुई है। अभी बात करेंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स कितनी एज के, कितने क्वालिफिकेटेड स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। तो इसमें 10+2 के बच्चे जो है फॉर्म को भर सकते हैं, जिन्होंने इंटर कर लिया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें क्या होता है मैं अलग अलग इसके वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो फिलहाल अब एक कंबाइंड असेंबल वीडियो आपके सामने आ रहा है, ताकि आप सभी फॉर्म्स को समझ लें। SSC की जो इस बार 50,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं, उसमें अगर आप अपने क्राइटेरिया को अगर देखेंगे, जिस भी क्राइटेरिया में आप आते हों उसके हिसाब से आप इसको तैयारी अपनी कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ इसका नाम होता है। इसकी बात करें अगर इसके फॉर्म कब आने शुरू होंगे, तो इसके फॉर्म आने शुरू होंगे दोस्तों 14 जून 2023 को, 14 जून तक इसके फॉर्म आ चुके होंगे। उसको जब भरना आप शुरू करेंगे तो आपको पूरा 1 महीना मिलने वाला है। 1 महीना मतलब 14 जुलाई 2023 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें अगर इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम होगा अगस्त सितंबर में। जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम का जो नोटिफिकेशन जो आयोग ने रिलीज किया है उसका वीडियो भी मैं अलग से एक बना दूंगा और आप एग्जाम डेट के लिए भी तैयारी अपनी कर लीजिए। बात करें अगर किस एज तक के स्टूडेंट MTS का फॉर्म भर सकते हैं, तो सेम जो SSC CHSL में है वही MTS में है, 18 से 27 साल के बच्चे भर सकते हैं इसको। एज रिलैक्सेशन अलग से है जिनका भी, SC ST OBC 5 ईयर्स का जिसे होता है। बात करें अगर कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन CGL में ग्रेजुएशन है
और CHSL में 10+2 है, जबकि MTS में 10th है। अगर आप 10th पास हैं तो आप SSC MTS का फॉर्म भर सकते हैं। अंत में एंड में आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है, सब इंस्पेक्टर वर्दी सेंट्रल लेवल की दिल्ली पुलिस जिसे है, उसमें अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगी 20 जुलाई को इसके फॉर्म आ चुके होंगे और इसमें 13 अगस्त तक ये फॉर्म चलेंगे और 13 अगस्त तक फॉर्म चलने के बाद ये क्लोज हो जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी डेट वाइज अपने फॉर्म भर लीजिए ताकि आपको, जैसे अभी शुरू हो चुका है SSCGL का, तो कोशिश करें आजकल में इसको भर दें ताकि साइट हैवी ना होने पाए, नेटवर्क ज्यादा इंगेज ना होने पाए। बात करें अगर इसके एग्जाम पैटर्न की तो इसका एग्जाम आपको जो एक्सपेक्टेड है वो आपको अक्टूबर 2023 में देखने को मिल सकता है। बात करें अगर इसकी एज लिमिट की तो इसकी एज लिमिट है 20 से 25, मतलब अगर आपकी एज मिनिमम 20 है और 25 है, एज रिलैक्सेशन अलग है, उसके बाद आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन आपको मस्ट होगा करना। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप SSC का जो डेली SI का फॉर्म है सब इंस्पेक्टर का दिल्ली का, उसको आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला ही होगा कि अगर आप 10th पास हैं साथियों, अगर आप 10th पास हैं तो आप भर सकते हैं MTS का, अगर आप 12th पास हैं तो आप भर सकते हैं CHSL का, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप दो फॉर्म भर सकते हैं, एक है CGL और एक है दिल्ली पुलिस SI का। लेकिन दिल्ली पुलिस SI में जो फिजिकल एग्जाम होता है उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जबकि SSC के CGL में इस तरह का कोई तैयारी नहीं होती, एक आध को छोड़ दिया जाए तो उसमें, ठीक है। तो ये रही जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है SSC की तरफ से जो हर साल निकलती है, उनका फुल व्यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, वीडियो लाइक भी कर लिया होगा और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, जब आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, और अपील भी है आपसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको एक सोशल मीडिया का मेरा नेटवर्क मिलेंगे, वहाँ पर आप जाकर किसी भी तरह के डाउट्स हों, क्वेरीज हों, उसको भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको आंसर कर देता हूँ, है ना। कभी कभी लेट हो जाता है इसलिए इस तरह का जो ऑफर जो है यूट्यूबर देता है ताकि वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो वहाँ से आपको जल्दी रिप्लाई करने देखने को मिलेंगे। और हाँ, जो मैंने भी आपसे एक बात कही थी कि जो इसकी डेट्स हैं एग्जाम डेट्स SSC की, वो अभी मैंने आपसे साझा नहीं की है, एक एक्सपेक्टेशंस बताई है, तो वो मैं भी अभी अगले वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।